स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करना इसलिए इस वक्त जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ शायद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जल्द ही लगने वाला है। अभी जल्द ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक पिटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र की सरकार अपने यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उससे निपटने में अक्षम है। महाराष्ट्र के जो निवासी हैं उनके अंदर ये भय समा गया है कि वो अगर अपनी सरकार के खिलाफ कुछ भी सही बात भी बोलते हैं तो उनके साथ गलत बर्ताव किया जाएगा। महाराष्ट्र की जनता इस वक्त अपने आप को महाराष्ट्र में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो इस तरह की सारी स्थितियों का वर्णन उस पिटिशन के माध्यम से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई है कि महाराष्ट्र में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया जाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद एक विद्वान हैं, उनको विद्वान ही कहा जा सकता है क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही भी साबित हुई हैं अब तक, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि महाराष्ट्र सरकार 15 अक्टूबर के बाद का सवेरा नहीं देख पाएगी। मतलब महाराष्ट्र में सरकार 15 अक्टूबर तक गिर जाएगी और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि आगे ऐसा होता है या नहीं होता है, पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत ही लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि अगर राष्ट्रपति किसी राज्य के बारे में सहमत होते हैं, उन्हें ये लगता है कि कोई ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ की आंतरिक जो उसके यहाँ की स्थितियाँ हैं उनसे निपटने में अक्षम है, जो उनके यहाँ जो दंगे चल रहे हैं उनसे निपटने में अक्षम है, अपने राज्य में वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, या ऐसा है कि जो भी राज्य की जो राज्य सरकार की के जो कर्तव्य होते हैं, जो उनकी नीतियां होती हैं, उन सबको वो पूरा करने में अक्षम साबित हो रही है, तो राष्ट्रपति ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया जाना पूरे तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर राष्ट्रपति सहमत हो जाते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना आवश्यक है, वहाँ की स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि उन स्थितियों से निपटने के लिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में क्या राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं लगता है। महाराष्ट्र की जो स्थिति इस वक्त चल रही है उसको देखते हुए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना नितांत आवश्यक है, पर ये अब राष्ट्रपति की विवेक पर आधारित है कि वहां पर वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो इसका जवाब बस यही है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि स्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं जिनसे निपटने में वहां की राज्य सरकार अक्षम साबित हो रही है, उन वहां पे जो आंतरिक जो स्थितियां चल रही हैं, जो दंगे चल रहे हैं उनसे वहां की राज्य सरकार नहीं निपट पा रही है, जो जनता है जनता का आक्रोश उसके राज्य सरकार के विरुद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह की चीज़ें अगर राष्ट्रपति को अनुभव होती हैं तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो वो भी आपको बता दिया गया कि आर्टिकल 356 के तहत करते हैं। अब राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो शुरू में उसे 6 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है वो 3 साल की होती है। 3 साल का मतलब ये नहीं है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जिस दिन से उसे पारित किया जा रहा है उसी दिन से कह दिया गया कि हाँ इस राज्य में 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो पहले 6 माह के लिए लगाया जाता है, 6 माह बाद भी अगर लगता है कि हाँ स्थितियाँ अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, तो फिर उसे बढ़ा दिया जाता है, उस अवधि को बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे 6 माह के अंतराल पे 3 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 3 साल तक की है, लेकिन जब
राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है, जब इसकी घोषणा की जाती है, तो इसके लिए आवश्यकता होती है कि जिस दिन घोषणा की जा रही है उसकी तिथि से 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। मतलब बहुमत से इसे पारित किया जाना आवश्यक होता है, अनुमोदन आवश्यक होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि इन 2 माह के अंदर ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, किसी वजह से लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसे में राज्यसभा की अनुमति अनुमोदन उसका मिल जाना चाहिए। और उसके बाद लोकसभा जब गठित होती है तो उसकी जो पहली बैठक होती है उस बैठक से 30 दिन के अंदर इस पर लोकसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है। अगर उस बैठक के 30 दिन के अंदर अगर अनुमोदन नहीं मिलता तो ये जो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा होती है वो वहीं से अप्रभावित हो जाती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि जिस दिन पारित हो रहे, जिस दिन इसकी घोषणा की जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जा रहे हैं उस राज्य में, तो उस घोषणा की तिथि से 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाने के बाद जो भी कार्य होते हैं, जो भी सारे उसकी जितनी भी स्थितियां होती हैं उन सबसे निपटने का काम संसद का होता है। उस पर फिर राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका पूरा दायित्व खत्म हो जाता है, वहीं से फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, तो सारे का सारा कार्यभार आ जाता है संसद के ऊपर। इसके लिए राष्ट्रपति कुछ लोगों की नियुक्तियाँ भी करते हैं, गवर्नर के अंडर में कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं। जो नियुक्तियाँ उन लोगों की होती है जो कि सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड होते हैं, मैक्सिमम करके उन्हीं लोगों की नियुक्तियाँ इसके लिए की जाती हैं। इसलिए की जाती हैं कि जो कार्यपालिका का जो काम है वो काम नहीं रुकना चाहिए ऐसी स्थिति में भी, इसलिए कुछ लोगों की अन्य लोगों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। सारा कार्यभार संसद के ऊपर आ जाता है, वहीं से राज्य की जो सरकार होती है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से उनकी सारा उनका जो भी उनके ऊपर जो दायित्व होते हैं, जो उनके कर्तव्य होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो कि वो पहले भी अपना पालन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ऑफिशियली इन चीज़ों को उनसे ले लिया जाता है। तो ये होता है राष्ट्रपति शासन। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? सबसे मेन इसका कारण यह है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वहाँ किसी राज्य की सरकार अपने कर्तव्य पालन में अक्षम है, वहाँ अपने उसकी जो जनता है वो उससे भयभीत है, जनता को ऐसा लगता है कि उस राज्य की सरकार अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पा रही है या जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उनसे निपटने में अक्षम है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है? तो इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन इसे 6-6 माह के अंतराल पर बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ मेन बातें हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं लगता है ये तो बाद की बात है, ये आगे चल के हमें पता चलेगा। बाकी आपको जो चीज़ें जाननी जरूरी थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी गई हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसकी कृति, हुमायूंनामा किसने लिखा है। इन दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो देख रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।